गजरौला थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चे का अपहरण करने वाला आरोपी दबोचा। यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना पुलिस ने उधार के पैसे न मिलने पर नाबालिग बच्चे के अपहरण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद सभी के होश उड़े हुए हैं। बता दें कि गुरुवार को शारिफ पुत्र भूरे सिंह निवासी नईपुरा कस्बा थाना गजरौला ने अपने नाबालिग पुत्र इमरान उम्र 5 वर्ष की बहला फुसलाकर अपहरण करने के संबंध में अभियुक्त इस्तकार पुत्र फारूक निवासी नईपुरा कस्बा थाना गजरौला के विरुद्ध थाना गजरौला में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा द्वारा प्रभारी निरीक्षक गजरौला को पुलिस टीम गठित कर बच्चे की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए, जिसमें गुरुवार की रात को सूचना पर अभियुक्त को संभल उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया, जिसमें बच्चे इमरान को सकुशल बरामद किया गया। और पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि बच्चे का अपहरण इसलिए किया था क्योंकि उसके पिता पर उसके रुपए उधार थे, वह वापस नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से दबाव बनाने को लेकर बच्चे का अपहरण किया गया, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, इसी बीच वह पुलिस के हत्थे लग गया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी इस्तकार को जेल भेजा गया है। कल गजरौला थाने पर एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसके एक जानकार ने पैसों के विवाद को लेकर उसके एक 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर टीमें लगाई और टीम ने रात में जो अपहरणकर्ता है अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया और जो अपहृत बच्चा था उसे भी बरामद किया है। पुलिस टीम ने बहुत तत्परता से अच्छा कार्य किया, इसके लिए 10,000 रुपये नकद पुरस्कार उनको दिए जाते हैं। जो अपहरणकर्ता है उसका कहना है कि जो व्यक्ति है उससे उसके 40,000 रुपये उसके ऊपर उधार थे बच्चे के पिता पर, जो कि वापस नहीं दे रहा था, इसी को लेकर दबाव बनाने के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया। फिलहाल बच्चा सकुशल बरामद किया गया है और अपहरणकर्ता को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। जी, ये पुलिस टीम ने बच्चे की बरामदगी की गई है संबल जगह से की है, जहां पर ये अपने रिश्तेदार के यहां पर इसे ले गया था, वहां पर पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से इसको लोकेट करके और वहां से बरामदगी की।